हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज जो वीडियो हम करने वाले हैं, इस वीडियो में साइकोलॉजी के मेन एरियाज करेंगे कि जैसे SST सोशल स्टडीज में पार्ट होते हैं, मैथ्स में पार्ट होते हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, तो इस तरह से हमारे इसमें भी पार्ट होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं। और ये नहीं है कि एक जो साइकोलॉजी से MA कर ली, मास्टर्स कर लिया, उसने सभी में स्पेशलाइजेशन कर लिया। अलग अलग फील्ड होते हैं और हर फील्ड में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो आज हम ये सब करने वाले हैं। और दूसरी बात बता देती हूँ कि साइकोलॉजी को लेकर प्रोनाउंसिएशन पर कईयों की अलग अलग रहती है। कोई साइकोलॉजी बोलता है, कोई साइकोलॉजी बोलता है, कोई साइकोलॉजी बोलता है। तो ये अलग अलग मैटर है क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप से बोली जाती है। ठीक है, तो मैं इसको साइकोलॉजी बोलती हूँ और वो ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज हम करने वाले हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि साइकोलॉजी में कौन कौन से एरिया होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे जो मोस्ट कॉमन है ना, वो है क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल में हिंदी में कहते हैं नैदानिक, नैदानिक। जब साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये मेंटल डिसऑर्डर, यानी ये कहने लगे कि मेंटल को ठीक करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए ही ज्यादा प्रयोग की जाती थी। और वही हमारा ये है नैदानिक, ये मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको डायग्नोज किया जाता है, पहचान की जाती है, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको पता किया जाता है कि भाई किस कारण से ये हुआ है और इसका आगे क्या हम कर सकते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, या हमारा कोई बाइपोलर डिसऑर्डर, कई डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे सोसाइटी में आसपास रहते हैं और लोग अनजान रहते हैं कि इसको ही कोई मेंटली परेशानी है या क्या दिक्कत है। तो मेंटल डिसऑर्डर का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो एरिया कौन सा है हमारा, क्लिनिकल साइकोलॉजी, याद रहेगा। दूसरा है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल में, जो स्कूल साइकोलॉजी है वो भी शामिल है। ठीक है, स्कूल भी कह सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, दोनों ही एक ही बात होती है। दोनों में क्या किया जाता है, क्लासरूम में, स्कूल सेटिंग में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लर्निंग को पढ़ा सकते हैं, कैसे हम टीचिंग को बढ़ा सकते हैं, वो सब हमें किस में सिखाया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो हम अब करते हैं। CDP है, ये इसी का पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल वाले में दो और भी फील्ड हैं, वो रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ हेल्थ साइकोलॉजी और इसके साथ अब नॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, ये भी इसमें शामिल, यानी ये भी पार्ट है जो इसी तरह का अध्ययन करते हैं। हेल्थ वाले भी हेल्थ पे देखेंगे, स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, मेंटली कोई परेशानी है नहीं है। और अब नॉर्मल में क्या होता है, असामान्य, जो सामान्य से थोड़े अलग होते हैं, जिसको डिसेबल्ड कहा जा सकता है, उसका अध्ययन अब नॉर्मल साइकोलॉजी में होता है। ठीक है, तो ये इसमें से निकले हुए टर्म बोल दें या इसे रिलेटेड है, इसलिए यहीं पे बता दी मैंने, ये दोनों एक सेम बात है। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल यानी सामाजिक, समाज के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए, समाज में कैसे कैसे व्यक्ति अपना व्यवहार दिखाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कोई तो ज्यादा सोशल है, कोई नहीं है, कोई
प्रथाएं हैं अलग 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 समाज में अलग अलग प्रथाएं हैं, उन सब के बारे में सोशल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समाज से रिलेटेड प्रथाओं का, व्यवहार का, मानव व्यवहार का, समुदाय का, समुदाय के लिए कम्युनिटी, कम्युनिटी वर्ड भी यूज होता है, कम्युनिटी साइकोलॉजी, सामुदायिक, तो ये भी इससे रिलेटेड टर्म है। तो उसके बारे में अध्ययन करना किसके किस ब्रांच में आता है, हमारा सोशल साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और अगली कौन सी हमारी नेक्स्ट है, एरियाज, यहाँ पे फील्ड भी लिख सकते हैं, फील्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, फील्ड्स एंड एरियाज। अब नेक्स्ट है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जो कॉग्निटिव है इसको कहते हैं संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये मैं बार बार आपको बताती हूं कि संज्ञान यानी ज्ञान, जिसमें दिमाग की, ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी शामिल होती हैं, वो क्या होता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें ये इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हमारे मेंटल एबिलिटी हैं उनका अध्ययन किया, थिंकिंग है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सभी जिसमें अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। याद रहेगा ये फोर्थ नंबर पे है। फिफ्थ पे हम माने तो एक जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी आता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब ही पॉजिटिव है, तो पहले जब इसका मनोविज्ञान का संबंध सिर्फ ये समझने लगे कि जो मेंटली डिस्टर्ब हैं उनके लिए ही इसका यूज होता है, इसीलिए समाज में आज भी ये विचारधारा है कि कोई अगर साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास मिलने चला जाए, उससे सेशन ले, तो ये समझा जाता है कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसी नहीं है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये, इसी से निकाली गई, क्योंकि पॉजिटिव भी तो होता है, हर इंसान में पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो मानव की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, जहां पर उसकी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ के मामले में ये है पॉजिटिव साइकोलॉजी। याद रहेगा इसमें जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का टॉपिक आता है, विजडम का आता है, ये सभी इसमें आ जाएंगे, वेलबींग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सकारात्मक मनोविज्ञान। और सिक्स नंबर पे माने तो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल नंबर वैसे ही दे रही हूं मैं इनको 1 2 3 ताकि याद रहे, वैसे हम किसी को एक दूसरे से ज्यादा कम नहीं कह सकते। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन पे करें, मानव ब्रेन पे करें, या फिर जो एनिमल्स होते हैं जैसे चूहे पे हुए थे, चिंपैंजी पे हुए थे, ये सभी प्रयोग एनिमल पे हुए थे, और वो बिल्ली पे भी हुआ था। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें थ्योरी बनाई जाती है, प्रयोग किए जाते हैं, याद रहेगा। अच्छा एक होता है क्रॉस कल्चरल, क्रॉस कल्चरल कहें, या इसका एक नाम और भी होता है इंडिजीनियस। ठीक है, इंडिजीनियस साइकोलॉजी। तो क्रॉस कल्चरल, अलग अलग कल्चर होते हैं, संस्कृति सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति है, तो उन संस्कृति में क्या अंतर होता है, हर संस्कृति दूसरे से अंतर रखती है, और उसमें उस अंतर का अध्ययन किया जाता है कि किस कल्चर में रहने वाले व्यक्ति में कौन सी वैल्यू है वो ज्यादा होती है, कम होती है, साइकोलॉजिकल रूप से कौन से ज्यादा मजबूत होते हैं, यानी इस तरह का अध्ययन, क्रॉस कल्चरल, एक दूसरे कल्चर से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और करें तो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल से समझ जाओ, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज हैं वहां पर वर्कर काम करते हैं,
तो उन वर्कर की जो प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड इसमें अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम करने वाले हैं उनके लिए काम किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद और भी हैं कुछ फील्ड। इसके बाद अगला कहें तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल, या अकेली डेवलपमेंटल भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब लाइफ स्पैन, जीवन भर जो परिवर्तन होता है, चाहे वो फिजिकली हो, कॉग्निटिव हो, सोशली हो, या फिर इमोशनली हो, वो सभी एस्पेक्ट जिसमें अध्ययन किए जाते हैं वो क्या होता है हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ये भी हम इसमें पढ़ते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तो याद रखना। और बात करें तो एक होता है मिलिट्री, मिलिट्री साइकोलॉजी। अब मिलिट्री में क्या है, सैन्य। ठीक है, सेना, आर्मी में जो काम कर रहे हैं सैनिक हैं उनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए इसमें काम किया जाता है। ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब जो ये फिजियोलॉजिकल है ना, ये वैसे तो अगर हम क्लिनिकल का हिस्सा माने तो मान सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरो साइंस को पढ़ा जाता है, जो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे मैसेज जाते हैं, कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो खुशी में खुशी देते हैं, कौन से उदासी देते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं, ये सब अध्ययन किसमें, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। याद रहेगा। अच्छा भाई, अब मैं इनको अगर ग्रुप में डिवाइड कर दूं, कुछ एरिया तो होंगे अप्लाइड में, अप्लाइड एरियाज, कुछ मान ले एक काउंसलिंग का और रह गया, मेन इंपॉर्टेंट है ये भी, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, एंड गाइडेंस। काउंसलिंग एंड गाइडेंस साइकोलॉजी क्या होती है, परामर्श। ठीक है, कि व्यक्ति है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर कैसे निकले, उसको सहायता की आवश्यकता होती है किसी दूसरे की, तो उसको परामर्श दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, जॉब से रिलेटेड कौन सा आपके लिए सही है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कैसे आप अपने जॉब को अपने करियर को बना सकते हो, तो ये सभी इसमें शामिल होता है, याद रखोगे। अब इनको मैं एक बार कैटेगरी में डिवाइड करके और बता देती हूँ मेन मेन। अब जो ये मैंने चार्ट बनाया है इसमें फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी लगभग सारे दे दिए हैं, कोई एक दो बच गया है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश की है कि सारे आ जाएं इसके अंदर। अब इसमें हमने तीन डिफरेंट एरियाज बांटे हैं, पहला है एकेडमिक एरिया जो पढ़ा जाता है, ठीक है, फिर है अप्लाइड एरिया जहाँ अप्लीकेशन उसका यूज किया जाता है, किसका, जो पढ़ा है एकेडमिक का यूज किया जाता है अप्लीकेशन में। ठीक है, फिर है न्यू अमर्जिंग, अब जो नए नए एरिया निकल के आ रहे हैं वो है ये इधर वाले। तो सबसे पहला है एकेडमिक एरिया, एकेडमिक एरिया में डेवलपमेंटल बता दिया मैंने, कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल, इनके बारे में पढ़ा जाता है, इनकी थ्योरीज पढ़ी जाती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। फिर है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल का दूसरा नाम है इवोल्यूशनरी और साइकोबायोलॉजी भी होता है, इसलिए ये मैंने लिख दिया है, कई बार इसकी जगह ये नाम भी आ जाते हैं, जिसमें शरीर के अंदर का न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनका अध्ययन किया जाता है, ये सब इसमें आ जाए फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिर है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का अलग रहता है, व्यक्तित्व को कैसे हम देखते हैं, व्यक्तित्व की अलग अलग थ्योरीज कितनी है, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो सब आ जाएगा इसमें। फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं कि अलग अलग डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, कोई रिसर्च होती है उसके लिए डाटा इकट्ठे करके कलेक्ट करके उस पर क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई किए जाते हैं,
ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले मीन मीडियन मोड ये सब निकाल के और इसमें यूज किया जाता है। फिर है सोशल साइकोलॉजी बता दी, एजुकेशनल और फिर अब नॉर्मल, ये सब इसमें आ गया। अब अप्लाइड में क्लिनिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड में आता है क्योंकि हम वहां पर उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। फिर है काउंसलिंग, अब नॉर्मल है ना, ये तो इसका एकेडमिक में आ गया, लेकिन अप्लाइड में क्लिनिकल आ गया, काउंसलिंग आ गया, परामर्श देते हैं तो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अप्लाइड एरियाज यूज होते हैं। ठीक है, फिर है कम्युनिटी, समुदाय में संघर्ष आपस में विवाद होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो सब आ जाएगा। स्कूल एजुकेशनल में हम अलग अलग टीचिंग लर्निंग की थ्योरीज पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, और स्कूल साइकोलॉजी में हम स्कूल में अप्लीकेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर मिलिट्री, फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब न्यू नए फील्ड कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल, आजकल एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा जागरूकता हो गई है तो उससे रिलेटेड भी साइकोलॉजी में फील्ड है। फिर है हेल्थ, हेल्थ के लिए करेक्शनल, करेक्शनल क्या होता है, सुधारात्मक, करेक्शन करना, जो अपराधी होते हैं या जो बाल अपराध कर देते हैं, बच्चे दोषी होते हैं, उनको कैसे सुधारें, साइकोलॉजी के द्वारा उनके जो परेशानियां समस्याएं हैं उनको कैसे निदान किया जाए, कैसे उनमें सुधार किया जा सके। फिर फोरेंसिक, फोरेंसिक होती है कानूनी, ठीक है, जेल में जो कैदी होते हैं उनके लिए फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है कि उनके उनको भी जीवन में अच्छा बनाया जा सके। फिर है स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों की जो समस्याएं आती हैं, उनके जो मानसिक परेशानी रहती हैं उनके लिए। फिर वुमेन, वुमेन साइकोलॉजी एक अलग फील्ड बन गया है। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, आर्थिक, आर्थिक में क्या होगा, उपभोक्ता है या फिर उत्पादनकर्ता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं, वो सभी उसमें उनकी समस्याएं शामिल की जाती हैं। फिर है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट में कि लोगों में इतनी उत्सुकता है, इतने आवेश ज्यादा हो गया है, जो आजकल ये होते हैं ना एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है, तो इसलिए साइकोलॉजी का फील्ड इसमें भी है। फिर है क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सांस्कृतिक। फिर है गीरो साइकोलॉजी बोल देते हैं या जीरो बोल देते हैं, गीरो इसका मतलब क्या है, जो 65 प्लस एज वाले हैं, वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज, ओल्ड एज वाले व्यक्तियों के लिए इसमें कि उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सके, ये सब सुझाव दिए जाते हैं और इसमें ये इसका एक अलग फील्ड बनाया गया है। तो औरतों के लिए है, अपराधियों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए है, ठीक है, ये सब नए हैं, आजकल यूज में ज्यादा हो रहे हैं, यानी हर फील्ड में। अब आप देखो जीवन के लगभग हर फील्ड में साइकोलॉजी का यूज होता है, याद रहेगा। अब इतना डिटेल में बता दिया, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लो, बस नाम से पता चल जाएगा कौन सा फील्ड किससे रिलेट करता है। ठीक है, अगर समझ आई है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।